एक बहुत ही खास है ना, ओफायरिस बी या बम्बल बी एंड ओफायरिस ऑर्चिड है ना, ये एक बहुत ही खास, ये तो आप जानते हैं भाई साहब। मैं पहले एक लाइन एनसीईआरटी की पढ़ देता हूँ, द मेडिटेरियन ऑर्चिड एम्प्लॉय सेक्सुअल डिसीट टू गेट द पोलिनेशन डन बाय द स्पीसीज ऑफ बी है ना, वन पीटल ऑफ द फ्लावर बियर्स एन अनकैनी रिजेम्बलेंस टू द फीमेल ऑफ द बी इन साइज कलर एंड मार्किंग, द मेल बी इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स इट्स प्रीसीव्स एज ए फीमेल एंड सुडो कपलेट विद द फ्लावर एंड ड्यूरिंग द प्रोसेस डस्टेड विद पोलन फ्रॉम द फ्लावर, वेन दिस द सेम बी सुडो कपलेट विद अनदर फ्लावर इट ट्रांसफर पोलन टू इट एंड दस पोलिनेट द फ्लावर। हियर यू कैन सी हाउ कोएवोल्यूशन ऑपरेट्स, इफ द फीमेल बी कलर पैटर्न चेंज इवन स्लाइटली फॉर एनी रीजन ड्यूरिंग इवोल्यूशन पोलिनेशन सक्सेस विल बी रिड्यूस्ड अनलेस द ऑर्चिड फ्लावर को इवोल्व टू मेंटेन द रिजेम्बलेंस ऑफ इट्स पीटल टू द फीमेल बी। ये लाइन समझ में आई जो मैंने अभी पढ़ी आपको? पहले तो आप ये फोटो देखे भाई साहब, है ना, ये तो ऑर्चिड है और ऑर्चिड के फ्लावर का एक पार्ट है पीटल, जो इन द कोर्स ऑफ इवोल्यूशन मॉडिफाई हो गया किसकी तरह, तो इस मेल इंसेक्ट की बी की तरह, फीमेल की तरह है ना, बी की फीमेल की तरह, इंसेक्ट की फीमेल की तरह, कलर शेप साइज फ्रेग्रेंस एग्जैक्टली से। तो ये जो मेल इंसेक्ट है इस फ्लोरल पार्ट को अपनी फीमेल समझता है साहब, इस पर सिट करता है, कोपलेट करता है, अपना स्पर्म लॉस करता है इसके ऊपर, और फिर इस दौरान ये अपने पोलन ग्रेन इस इंसेक्ट पर डस्ट कर देते हैं, ठीक है। फिर ये मेल इंसेक्ट दूसरे फ्लावर पर जाता है, उसको पोलिनेट कर रहा होता है। अभी आपने अगर इस पैराग्राफ में गौर किया हो तो कितनी मजेदार बात कही है इसमें, मुझे मेरे दिमाग में एकदम से एक नई चीज़ चमकी साहब। हाँ, ये लास्ट लाइन पढ़ी आपने, अरे कुछ बोलो, यस नो, क्या ऊँगते रहते हो रे, कुछ मैसेज वैसेज किया करो, रिकॉर्डिंग देख लो, फिर लाइव क्लास क्या मतलब, बोला करो। देखो क्या लिख रहा है कि हियर यू कैन सी हाउ द कोएवोल्यूशन ऑपरेट्स, इफ द फीमेल बी कलर पैटर्न चेंज इवन स्लाइटली फॉर एनी रीजन ड्यूरिंग इवोल्यूशन द पोलिनेशन सक्सेस विल बी रिड्यूस्ड अनलेस द ऑर्चिड फ्लावर कोएवोल्व टू मेंटेन द रिजेम्बलेंस ऑफ द पीटल टू द फीमेल बी। अगर मान लीजिए इन द कोर्स ऑफ इवोल्यूशन इस इंसेक्ट की फीमेल बी में कुछ परिवर्तन आ जाए, है ना, और आ ही सकता है क्योंकि फीमेल है, और फीमेल कैसे बर्दाश्त कर सकती है कि मेरे होते हुए ये किसी दूसरे के साथ जाकर के मेल भले से सूडो कोपलेट ही क्यों ना करे, कर रहा, समझ रहे हैं, है विनोद, समझ रहा है क्या कहना चाह रहा है एनसीईआरटी, कि अगर वे फीमेल है ना, तो जो इस इंसेक्ट की फीमेल है उसको ये बात पता चल गई है, अब तो चली गई होगी ना कि ये मेल जो है ये मतलब बदमाशी कर रहा है, ये जो है उधर प्लांट के साथ काम चला रहा है, तो अगर फीमेल में कुछ परिवर्तन आ जाए शेप साइज में, कुछ मार्किंग वार्किंग में, और भाई साहब फिर ये मेल इंसेक्ट कैसे उस ऑर्चिड के फ्लावर को पहचानेगा, ठीक है ना, क्योंकि ये तो हो ही सकता है ना, इसमें कोई बड़ी बात थोड़ी है, ज़्यादा देर बर्दाश्त थोड़ी करती है फीमेल इस चीज़ को, ठीक है ना, तो फिर कहीं ना कहीं इस ऑर्चिड के फ्लावर को भी या तो कोई वोल्ड होना पड़ेगा, है ना, उसके स्पीटल को भी कोई वोल्ड होना पड़ेगा, उसको जो है वैसा ही बनना पड़ेगा जैसे उसकी फीमेल है, और नहीं तो निश्चित रूप से अगर वो नहीं बदला ऑर्चिड का फ्लावर, उसमें कोई इवोल्यूशन नहीं हुआ, तो फिर जो है पोलिनेशन की संभावनाएं कम हो जाएंगी, समझ रहे हो बात को क्या कहना है? रही बात, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये है कि इसको म्यूचुअलिज्म में रखा है, ये जो फिनोमेना है कोपलेट कर रहा है तो इसको सूडो कोपलेशन कह देते हैं, इसको सेक्सुअल डिसीट कह दिया साहब, सेक्सुअल डिसीट का मतलब ये है कि जो है वो छल कर रहा है साहब, है ना, छल कर रहा है, कपट कर रहा है, ये छल कौन कर रहा है, आप गौर से देखो भाई साहब, छल कौन कर रहा है, प्लांट। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि ये प्रकृति का सबसे अद्भुत उदाहरण है छल करने का, मतलब इससे भयानक छल नहीं हो सकता, ये छलों में छलादीस है ये जो प्लांट कर रहा है, ये ऑर्चिड जो कर रहा है, मतलब सोच के देखो आप,
यार प्लांट को कैसे पता चला कि इस इंसेक्ट की फीमेल ऐसी है, मतलब है ये जो ओफायरिस ओरिजिनो छला दीस है, ये इससे बड़ा कोई छलिया नहीं हो सकता भाई। प्लांट में तो कोई सेंसरी सिस्टम, कोई नर्वस सिस्टम में तो नहीं होता था, तो जो है मतलब इसको कैसे पता चला कि ये इंसेक्ट की फीमेल ऐसी होती है। आप बिलीव नहीं करेंगे, फिर आप पढ़ी लीजिए, सब मिल ही जाता है गूगल पे, कि इस फ्लोरल पार्ट का फ्रेग्रेंस भी वैसा ही होता है जैसे उस फीमेल इंसेक्ट का होता है, क्योंकि इंसेक्ट्स में फेरोमोन्स काम कर रहे होते हैं सब अट्रैक्ट करने के लिए, ठीक है ना। तो इसका फ्रेग्रेंस भी वैसा ही होता है जैसे उस इंसेक्ट की फीमेल का होता है, इतने बड़े स्तर पर ही हो रहा है। और निश्चित रूप से जो लाइन मैंने अभी पढ़ी है कि अगर उस इंसेक्ट की फीमेल में कुछ चेंज आ गया, तो निश्चित रूप से इन द कोर्स ऑफ इवोल्यूशन इस ऑर्चिड में भी, इस ऑर्चिड में भी वो परिवर्तन आएगा। क्योंकि अगर वो परिवर्तन नहीं आया तो फिर वो ऑर्चिड की जो पॉलिनेशन की सक्सेस है वो कम होगी। रही बात वाइट इज म्यूचुअलिज्म, जैसे आप दोनों का फायदा हो रहा है, दोनों का फायदा क्या हो रहा है, प्लांट का तो समझ में आ रहा है कि कोई दूसरा पॉलिनेशन करता नहीं है, कर ही नहीं सकता, करने नहीं देते ये मेल। भाई साहब एक ही फ्लावर पे 100-200 मेल इंसेक्ट जो हैं वो मंडराते रहते हैं सब, मंडराते रहते हैं और अपने टर्न आने का इंतजार कर रहे होते हैं कि ये हटे तो फिर मैं जो है कॉपुलेट करूँ उसके साथ। एक ही फ्लावर पर इतने बड़े स्तर पर, मतलब इसको कहा जाता है ऑर्चिड फीवर, कि ये जो मेल इंसेक्ट्स हैं अपना जो है स्पर्म जो है उस फ्लावर पर लॉस कर रहे होते हैं सब इतने, तो ये दूसरे प्रजाति के वाले को तो टिकने ही नहीं देंगे। तो भाई साहब ये तो तय हो गया कि प्लांट का तो पॉलिनेशन ही नहीं चल रहा है, ठीक है। अपने साहब मेल का फायदा क्या है, ऑब्लिगेटरी हो गया ना फॉर फंक्शन, मेल का फायदा क्या है कि साहब उसको कॉपुलेट करने को मिल रहा है ना। तो फिर यहाँ पर वही सवाल आ जाता है कि मेल के पास तो विकल्प है, वो चाहे तो अपनी फीमेल के साथ कॉपुलेट करे, भाई फीमेल इंसेक्ट भी तो है ना कॉपुलेट करने के लिए। इसको साइंटिस्ट ने जो है क्यों म्यूचुअलिज्म में रखा। और रही बात ये क्या है, फ्री में कॉपुलेट कर रहा है, फ्री में पैसे कहाँ लगते हैं, फ्री में कॉपुलेट कर रहा है, बावड़ा। बड़ी बात तो ये है जो है, बड़ी बात तो ये है कि जो है व्हाई इट इज म्यूचुअलिज्म, क्योंकि इंसेक्ट के पास तो विकल्प है ना, इंसेक्ट चाहे तो अपनी फीमेल के साथ कॉपुलेट कर सकता है, और इंसेक्ट चाहे तो फ्लोरल पार्ट के साथ कॉपुलेट कर सकता है, तो इंसेक्ट में तो विकल्प है, तो फिर आपने इसको ऑब्लिगेटरी क्यों कहा, आपने इसको म्यूचुअलिज्म में क्यों रखा। और सबसे बड़ी बात, हर वैज्ञानिक जिसने इस इंटरेक्शन को देखा, स्टडी किया, उसके मन में ये सवाल आया कि यार जो है इतने बड़े स्तर पर अगर ये मेल इंसेक्ट इस फ्लोरल पार्ट के साथ कॉपरेट कर रहे हैं तो इस इंसेक्ट की प्रजाति को तो विलुप्त ही हो जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर इतने बड़े स्तर पर ये मेल इंसेक्ट इस फ्लोरल पार्ट के साथ कॉपरेट कर रहे हैं तो फिर इनकी अगली पीढ़ी कहाँ से आएगी, वो फ्लोरल पार्ट के साथ कॉपरेट करने से तो अगली पीढ़ी आएगी नहीं, इसको विलुप्त हो जाना चाहिए। तो भाई साहब जल्दी से मैं इसका जवाब दे दूँ आपको कि व्हाई इट इज इंक्लूडेड इन म्यूचुअलिज्म और क्यों ये इंसेक्ट की प्रजाति विलुप्त नहीं हो रही है। तो खास बात देखने को ये मिली कि इस इंसेक्ट की प्रजाति में क्या होता है, तो इसमें पार्थेनो जेनेसिस होता है ना। और आप जानते हैं पार्थेनो जेनेसिस का मतलब ये होता है कि फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो विदाउट द फर्टिलाइजेशन, है ना, बिना फर्टिलाइजेशन के ही जो है वह एम्ब्रियो एक जो है एम्ब्रियो बदल जाता है, ठीक है। और यहाँ फीमेल को जो है बच्चे पैदा करने के लिए मेल की जरूरत नहीं होती, ठीक है ना। ये मधुमक्खियों में भी होता है, आपको पता है ना, मधुमक्खियों में जो ड्रोन्स होते हैं तो वो पार्थेनोजेनेसिस के प्रोडक्ट होते हैं, वो जो है फर्टिलाइजेशन का प्रोडक्ट नहीं होते सर, ठीक है। और जो जहाँ पार्थेनोजेनेसिस होता है तो पार्थेनोजेनेसिस में जो है फीमेल को मेल की जरूरत नहीं होती सर, फीमेल को मेल की जरूरत नहीं होती, बिना मेल के पार्टिसिपेट किए ही वो अपने एग से एम्ब्रियो बना सकती है, एक नया क्रिएचर क्रिएट कर सकती है, ठीक है ना। और ये फीमेल की श्रेष्ठता की पराकाष्ठा है, है ना। मैं हमेशा बोलता हूँ कि प्रकृति ने फीमेल को श्रेष्ठ बनाया था, है ना। इसका बायोलॉजिकल सबूत क्या है, तो बायोलॉजिकल सबूत दो है। पहला सबूत तो यही है साहब कि जो है ऑर्गेनिज्म बायोलॉजिकली दो ही काम करता है, जिंदा रहता है, पैदा करता है। जिंदा रहने का गुण तो प्रकृति ने सबको दिया है, लेकिन पैदा करने की क्षमता
सिर्फ और सिर्फ प्रकृति ने फीमेल को बख्शी है। मेल तो उसको एक पार्टनर के रूप में ही चाहिए होता है पैदा करने के लिए, बाकी तो फीमेल्स जो हैं उन्हीं को प्रकृति ने, ईश्वर ने जो है पैदा करने की क्षमता दी है जो उनको मेल से श्रेष्ठ बनाती है बायोलॉजिकली। दूसरा सबूत मैं देता हूँ, हम ह्यूमंस की बात करें तो ह्यूमन जीनोम को हमने स्टडी किया है साहब, आपको पता है ना सबसे कम जीन्स की संख्या किस क्रोमोजोम पर होती है? सबसे ज़्यादा तो होती है क्रोमोजोम वन पर, 2963 शायद, 2963 इतना कुछ जीन होता है हाईएस्ट क्रोमोजोम नंबर वन पर। और लोएस्ट नंबर ऑफ क्रोमोजोम किस में होता है साहब ह्यूमन जीनोम में? तो लोएस्ट नंबर ऑफ क्रोमोजोम वाई जीन पर होता है साहब, 200 समथिंग। और एक्स जीन पर भी ज़्यादा, एक्स क्रोमोजोम पर भी ज़्यादा जीन होते हैं इन कंपेरिजन टू वाई। तो यार जो मेल बन के पैदा हुआ है उसके पास एक एक्स एक वाई है, और जो फीमेल बन के पैदा हुई है उसके पास दो एक्स है, तो वो तो वैसे ही तुमसे सुपीरियर है यार, तुम तो वैसे ही कम जीन लेके पैदा हुए हो, है ना? और इसलिए फीमेल ही श्रेष्ठ हैं और हमें फीमेल की श्रेष्ठता को रेस्पेक्ट करना चाहिए, सम्मान देना चाहिए। जब श्रेष्ठ है तो सम्मान बनता ही। खैर, और उस श्रेष्ठता की पराकाष्ठा है पार्थेनोजेनेसिस। फीमेल को पैदा करने के लिए नर की जरूरत होती है, लेकिन जहां जिन प्रजातियों में पार्थेनोजेनेसिस होता है तो वहां फीमेल को पैदा करने के लिए भी मेल की जरूरत नहीं होती, वो तो बिना मेल के भी पैदा कर लेती है, जिंदा वो रह लेती है, पैदा वो कर लेती है, फिर तेरी क्या जरूरत है भाई मेल, चल हट। तो भाई साहब प्रकृति अपने आप में संपूर्ण होती, परिपूर्ण होती, इसका अद्भुत उदाहरण है ये। मतलब मैं इसको पूरी, मतलब पूरी बायोलॉजी में सबसे अद्भुत मानता हूँ इस चीज को, ये अद्भुत है। मतलब मैं इस पर पूरा एक व्याख्यान दे सकता हूँ, इसको अगर मैं मतलब सामाजिक और किस किस पहलू पर लेकर आऊँ तो मैं पूरा 2 घंटे का व्याख्यान दे सकता हूँ इस पर। ये अद्भुत है, मतलब ये जो इंट्रैक्शन है ये अद्भुत है, मतलब ये आपकी हमारी कल्पनाओं से परे है ये, ठीक है ना? और प्रकृति क्या कर सकती है उसकी पराकाष्ठा है साहब, ठीक है? इसके बहुत सारे पहलू हैं, तो एक दो पहलुओं की बस मैं चर्चा कर रहा हूँ। तो साहब जो ये फीमेल हैं, ये फीमेल्स बिना मेल के पार्टिसिपेट के ही जो है वो इंडिविजुअल को पैदा कर रही हैं। और साहब ये उस फीमेल की श्रेष्ठता का पराकाष्ठा है कि उनमें पार्थेनोजेनेसिस है। लेकिन याद रखिए प्रकृति अपने आप में संपूर्ण है, परिपूर्ण है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि जिन प्रजातियों में पार्थेनोजेनेसिस है क्योंकि वहाँ मेल की जरूरत नहीं होती तो वो प्रजाति अपने आप में, उस प्रजाति की जो फीमेल है अपने आप में इस श्रेष्ठता के अहंकार में आ जाए और मेल को बिल्कुल अवॉइड ही कर दे, कर रहा है मेल तेरी की जरूरत, जिंदा में रह लेती हूँ, पैदा में कर लेती हूँ, तेरा क्या काम। तो भाई साहब वो प्रजाति विलुप्त हो सकती, क्यों? क्योंकि पार्थेनोजेनेसिस से कभी भी फीमेल पैदा नहीं होती, ऑलवेज मेल ही पैदा होता है, ठीक है ना? पार्थेनोजेनेसिस में फीमेल पैदा ही नहीं होती, पार्थेनोजेनेसिस से मेल ही पैदा होगा, ठीक है ना? तो अगर मान लो एक मिनट के लिए इमेजिन करो कि इस इंसेक्ट की जो फीमेल है वो इस अहंकार में आ जाए, कर रहा मेल तेरी क्या जरूरत है, ठीक है ना, जिंदा मैं रह लेती हूँ, पैदा मैं कर लेती हूँ, हट। तो जो पैदा होंगे सारे के सारे मेल होंगे, अब वो मेल बेचारे किसी काम के रहेंगे नहीं क्योंकि फीमेल उनको वर्ड नहीं दे रही, तो एक ने एक दिन वो फीमेल मर जाएगी, बाकी बचे मेल वो कुछ कर नहीं सकते, वो भी मर जाएंगे, प्रजाति विलुप्त। इसका कोई रीजन, किस चीज़ का रीजन जानना चाहते हो पंखुड़ी, किसका रीजन जानना चाहते हो कि जो पार्थेनोजेनेसिस से पैदा होता है वो मेल होता है, मेल ही क्यों पैदा होता है ये? हाँ ये वही है जो आप सेक्स डिटर्मिनेशन पढ़ते हो तो उसमें कहीं होगा, मुझे इसका कोई इतना बड़ा, कोई उतना डीप में उसका कुछ मतलब पता नहीं है, लेकिन ये फैक्ट है कि जिन भी प्रजातियों में पार्थेनोजेनेसिस होता है, चाहे वो हनी भी हो, चाहे वो ये भी हो, ऑफरिस भी हो, तो इन सब में जो पार्थेनोजेनेसिस का प्रोडक्ट होता है वो मेल ही होता है सर, ठीक है ना? और चूंकि मेल पैदा हो रहे हैं पार्थेनोजेनेसिस से तो मेल ज़्यादा है, फीमेल कम है, वाई इट इज म्यूचुअलिज्म? क्यों इसको म्यूचुअलिज्म में रखा गया? म्यूचुअलिज्म में इसीलिए रखा गया क्योंकि यहाँ मेल ज़्यादा है फीमेल कम है, तो मेजोरिटी ऑफ मेल को अपनी लाइफ में एक बार भी इस इंसेक्ट फीमेल के साथ, रियल इंसेक्ट फीमेल के साथ कोपरेट करने का सौभाग्य प्राप्त नहीं होता, और इसी बात का फायदा उठा लिया इस ऑर्चिड प्लांट ने,
आपने एक फ्लोरल पार्ट को परोस दिया एक फीमेल की तरह उस इंसेक्ट की, और इसलिए वह इट इज म्यूचुअली मेजोरिटी ऑफ मेल इंसेक्ट डज नॉट हैव ऑप्शन टू कॉपलेट विद देयर इंसेक्ट फीमेल एंड दैट्स व्हाई इट इज इंक्लूडेड इन म्यूचुअलिज्म। और इसलिए उन सबके लिए तो म्यूचुअलिज्म ही हो गया ना, उनके लिए तो कोई दूसरा विकल्प है ही नहीं, तो वो तो कॉपलेट यही करेंगे, पहली बात। दूसरी बात फिर मन में आता है कि भाई बहुत सारे मेल हैं जो बेचारे फ्लावर के साथ कॉपलेट कर रहे हैं, तो उससे तो कोई बच्चे पैदा होने नहीं है। फीमेल है वो पार्थेनोजेनेसिस कर रही है, तो फिर फीमेल कैसे पैदा हो रही है, फिर प्रजाति विलुप्त हो जाए, हो जानी चाहिए। लेकिन याद रखिए भाई साहब, है ना, कि फीमेल हमेशा श्रेष्ठ होती है, बौद्धिक रूप से भी शारीरिक रूप से भी, याद रख लो आप, है ना, फीमेल इतनी पागल नहीं होती। तो निश्चित रूप से कुछ भाग्यशाली नर होते हैं जिनके साथ, जिनको मौका मिलता है इस रियल इंसेक्ट फीमेल के साथ कॉपलेट करने का, और जब वो रियल इंसेक्ट फीमेल के साथ कॉपलेट करते हैं तो उससे फीमेल भी पैदा होती है, उससे मेल भी पैदा होते हैं सर, कुछ मेल को जरूर चांस मिलता है बिल्कुल, और इससे फीमेल भी पैदा होती है, जिससे ये प्रजाति भी बनी हुई है इनकी पॉपुलेशन। और इस पूरे खेल में जो सबसे ज़्यादा बेनिफिट हो रहा है वो किसको हो रहा है भाई साहब, इस पूरे खेल में सबसे ज़्यादा जो बेनिफिट हो रहा है वो हो रहा है इस ऑर्चिड को। लगभग 300 स्पीसीज ऑफ दिस ओफायरिस ऑर्चिड इज फाउंड इन द मेडिटेरियन रीजन, और भाई साहब 300 प्रजातियों में सबसे ज़्यादा जो है सफल, सबसे ज़्यादा सफल पोलिनेशन फर्टिलाइजेशन की जो दर है अगर वो किसी एक ऑर्चिड की प्रजाति में है तो वो है ये ओफायरिस ऑर्चिड, वो है ये ओफायरिस ऑर्चिड। और उसका कारण है ये खास तरह का मैकेनिज्म जो इस ऑर्चिड ने अपना लिया है अपने पोलिनेशन फर्टिलाइजेशन के लिए। रही बात, ये एक प्राकृतिक घटना है पार्थेनोजेनेसिस की, इसको हम स्वीकार करते हैं सब, है ना, और हमको इस बात की नॉलेज बहुत पहले से है, है ना। मैं हमेशा सवाल पूछता हूँ कि अभी तो गणेश जी का माहौल चल रहा है भाई साहब, घर घर गणेश जी विराज रहे हैं, तो गणेश जी महाराज को विनायक जी भी कहते हैं, तो गणेश जी महाराज को विनायक जी क्यों कहते हैं? विघ्न विनायक गणपति बाप्पा, गणेश जी महाराज को विनायक जी क्यों कहते हैं? हाँ, यस, गणेश जी महाराज जो है वो पार्थेनोजेनेसिस के प्रोडक्ट है साहब, वी मतलब बिना और नायक, बिना नायक के भाग लिए जिसका जन्म हुआ हो तो वो फिर पार्थेनोजेनेसिस ही है। और फिर वही बात आ जाती है कि पार्थेनोजेनेसिस से मेल ही बनता है साहब, गणेश जी महाराज मेल ही है, गणेश जी महाराज मेल ही। आप देखिए, अगर हम इन चीजों के पीछे विज्ञान को देखें, हमारा जो कल्चरल हेरिटेज है उसमें अगर हम साइंस को ढूंढे ना, तो आपको लगेगा कि यार हर चीज बहुत ही वैज्ञानिक है और फर्जी नहीं है, बहुत ही वैज्ञानिक है, है ना। अब हमारे यहाँ क्या है कि उन चीज़ों को बहुत ही सरल भाषा में, आम जनता की भाषा में रिप्रेजेंट किया हुआ है, तो उसके पीछे के विज्ञान को हम समझ नहीं पाते हैं, है ना। और ये विज्ञान हमारे जो पूर्वज रहे हैं उनको इन सब चीज़ों की समझ थी, उनको इन सब चीज़ों की समझ थी, इसीलिए ये है। तो हम जानते थे कि पार्थेनोजेनेसिस जैसी कोई चीज़ होती है ना, कोई बड़ी बात नहीं है कि हमने पार्थेनोजेनेसिस से, अब आपके साथ इंसान में थोड़ी कोई पार्थेनोजेनेसिस होती है। अरे यार, तो हमारे यहाँ तो वो सब वही है ना, हमारे यहाँ तो एक प्रतिरूप होता है उन साइंस को रिप्रेजेंट करने का, एक प्रतिरूप है हमारी संस्कृति में साहब, ठीक है ना। ऐसा थोड़ी होता है कि साहब हाथी का धड़ हो, हाथी का सिर हो और इंसान का धड़ हो, ऐसा कोई, ये सब प्रतिरूप है, ये सब जो है ना, जो बोलते हैं ना कि एक उस विज्ञान को समझने का एक प्रतिरूप है। एकदम सरल भाषा में आप अपना दिमाग लगाइए, आप अपने आप हर चीज़ में साइंस मिल जाएगी आपको। गणेश जी तो अपने आप में पूरे, मतलब पूरे साइंस से भरे हुए देवता हैं, ठीक है ना, मतलब उनके हर चीज़ में आपको विज्ञान मिलेगी, इकोलॉजी मिलेगी गणेश जी के। तो ये जो है ये उस चीज़ को समझाता है, ये हमें उसको समझने की आवश्यकता है। चलिए साहब, तो आप ये भी समझ गए होंगे कि वाई इट इज़ म्यूचुअलिज्म
और क्यों ये प्रजाति विलुप्त नहीं हो रही। रही बात अगर ये कोई इवोल्यूशन है तो अगर इस फीमेल इस इंसेक्ट की फीमेल ने कोई चेंज लाया तो फ्लावर को भी कोई चेंज लाना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर इस पर पोलिनेशन की रेट कम होगी साहब, ठीक है ना। इसके अलावा और जो एग्जाम्पल हैं म्यूचुअलिज्म में बैक्टीरिया प्लांट के, राइजोबियम बैक्टीरिया लेगनेस प्लांट, आप जानते हैं राइजोबियम बैक्टीरिया नाइट्रोजन फिक्सेशन तभी करता है जब वो लेगनेस प्लांट के साथ होता है। फ्रेंकिया अल्नस केजुराइना में नाइट्रोजन फिक्सेशन तभी करता है जब वो होस्ट प्लांट के साथ होता है। फंजाई प्लांट का इंटरेक्शन माइक्रोराइजा बहुत लोकप्रिय उदाहरण है भाई साहब, पाइनस में माइक्रोराइजल एसोसिएशन होते हैं, इसको मैंने क्रिटिकल लिंक स्पीसीज में भी आपको बताया था, है ना। माइक्रोराइजा जो है ये अपने होस्ट को क्या प्रोवाइड कर रहा होता है, तो माइक्रोराइजा प्रोवाइड कर रहा होता है वाटर एंड मिनरल्स, ठीक है ना, और इसके बदले में उसको क्या मिल रहा होता है होस्ट से, तो होस्ट से उसको मिल रहा होता है साहब जो है रहना और खाना। अच्छा पाइनस में कौन सा माइक्रोराइजल फंजाई होता है, तो ध्यान रखें वहाँ अपन पढ़ते हैं फिर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में, अमेंशिया होता है और वो इंडो माइक्रोराइजा होता है या इक्टो माइक्रोराइजा होता है, तो इक्टो माइक्रोराइजा होता है साहब। हाँ मैं, अरे भाई जेबाब मैं वही तो कह रहा हूँ आपसे, इसीलिए तो मैंने कहा कि ये छलादीस है ये प्लांट, इसका जवाब मेरे पास भी नहीं है, किसी वैज्ञानिक के पास भी नहीं है कि साहब उस प्लांट को कैसे पता चला, मैंने पहले ही बोल दी थी ये बात, आपने थोड़ा लेट ज्वाइन किया जेबाब, ये बात मैं पहले ही बोल चुका था कि ये जो और, हाँ मैंने बोला ना आपको कि ऑर्चिड जो है ये साइंटिस्ट को भी नहीं समझ में आया कि इस ऑर्चिड प्लांट को कैसे पता चला कि ये जो फीमेल है इस इंसेक्ट की वो ऐसी होती है, इसका कोई जवाब नहीं है, किसी के पास कोई जवाब नहीं है। मैंने कहा ना कि जब कोई नर्वस सिस्टम नहीं है, कोई सेंसरी सिस्टम नहीं है, तो प्लांट ने कैसे पता लगा लिया। और वैसे भाई साहब ये प्रकृति में मतलब गजब है, अभी मैं एक दिन अभी कल परसों मंगलवार के दिन मेरे गांव गया था, मेरे खेत पे गया था, मैंने वहाँ एक वो क्रिप्टिक अपीयरेंस देखा, मतलब अनबिलीवेबल था यार, वो अनबिलीवेबल था। वो ढाक प्लास का एक प्लांट था और उसके ऊपर एक कीड़ा बैठा हुआ था और भाई साहब वो कीड़ा बिल्कुल उसकी पत्ती की तरह लग रहा था। मैं एकदम से मेरी नज़र चली गई, मैंने कहा ये पत्ता बड़ा गजब का है यार, ये पत्ता बड़ा गजब का है। ढाक प्लास छोला जिसको कहते हैं, है ना, फ्लेम ऑफ फॉरेस्ट, उसका प्लांट था, उसके पत्ते के ऊपर एक कीड़ा बैठा हुआ था, तो वो पत्ता ही था लेकिन बड़ा गजब का था वो। तो मैं बहुत देर से उसको देखूँ, मैंने कहा यार ये पत्ता है लेकिन ये पत्ता फोल्ड कैसे है, मतलब वो कीड़ा है ना, तो वो कीड़ा तो गोल गोल होता है, तो मैंने कहा ये पत्ता ऐसे तो फ्लैट है, बीच में से ऐसे फोल्ड कैसे हो गया ये पत्ता, वो पत्ते वैसे था वो, उसका पत्ता इस टाइप का होता है और वो ऐसा पत्ता होता है उसका, तो वो बीच में जो कीड़ा था ना, तो वो इस तरीके से उभरा हुआ दिख रहा था, और ये वो पिछला हिस्सा था पत्ते का। तो एक बार मैंने कहा यार ये मिडरिब इसकी इतनी मोटी कैसे होगी यार, इसकी मिडरिब इसकी इतनी मोटी कैसे होगी, ये बीच में से एकदम से बीच से फोल्ड कैसे हो गया पत्ता। फिर मैंने और बिल्कुल उसके उस इंसेक्ट के बॉडी पर सेम धारी बिल्कुल ऐसी, बिल्कुल मतलब वो एकदम मर्जी हो गया उसमें एकदम, मतलब मुझे खुद को वो सब। फिर मैंने गौर से देखा आगे उसके वो दो ऐसे ऐसे वो दिखे मेरे को, और यार मैंने कहा तो कीड़ा यार। तो यहाँ एक्चुअल में ये नकल एनिमल कर रहा है, तो आप एनिमल का तो समझ सकते हैं कि भाई एनिमल जो होता है उनमें सेंसरी सिस्टम होता है उन चीजों, लेकिन यहाँ तो उल्टा है यार, इस ओफायरिस ऑर्चिड के केस में तो बिल्कुल उल्टा है, वहां तो जो है वो प्लांट नकल कर रहा है यार इंसेक्ट की, मतलब गजब है ये, इसका कोई जवाब नहीं है, इसलिए मैंने उसको छलादीस कहा ओफायरिस ऑर्चिड को। खैर आ जाइए सर, माइक्रोराइजा की हम बात कर रहे थे, तो माइक्रोराइजा में आप जानते हैं वाटर और मिनरल की अवेलेबिलिटी कराता है, पाइनस में मेंशिया होता है, एंडो माइक्रोराइजा होती है पाइनस में, ठीक है ना, और मिनरल में भी कौन सा, तो खास करके फॉस्फेट, और ये प्रश्न भी आ चुका है नीट में कि पाइनस सीड डज नॉट जर्मिनेट इफ इट डज नॉट हैव द फंगल इन्फेक्शन, ठीक है ना, पाइनस के सीड जर्मिनेट नहीं होंगे अगर उस पाइनस में जो है फंगल का इन्फेक्शन ना हो, क्योंकि सीड जर्मिनेशन के दौरान वाटर का रिक्वायरमेंट होता है, वाटर एब्जॉर्प्शन में जो है वो फंगल आई की हेल्प कर रहे होते हैं साहब, तो सीड जर्मिनेट नहीं हो पाएगा साहब, ठीक है। फिर उसके अलावा एल्जी फंजाई का रिलेशन, तो लाइकेंस और धांसु, इसको हेलोटिजम भी कहा जाता है, हेलोटिजम मतलब मास्टर स्लेव, और यहाँ मास्टर माना जाता है किसको, फंजाई को, और स्लेव माना जाता है किसको, एल्गी को, ठीक है ना। ये अपन माइक्रो वो पढ़ते हैं, यहाँ आपको पता है ना जब लाइकेन की हम बात करते हैं तो दो पार्टनर है साहब, एक तो होता है माइकोबायोंट
एक होता है फाइकोबायोंट, माइकोबायोंट यानी कि फंगल पार्टनर, और फाइकोबायोंट यानी कि अलगल पार्टनर, ठीक है। और साहब जो है ज़्यादातर में जो फाइकोबायोंट होता है तो वो कौन होता है, तो क्लोरोफाइसी के मेंबर होते हैं साहब। मेजोरिटी ऑफ जो लाइकेंस होते हैं उनमें जो अलगल मेंबर होता है तो वो क्लोरोफाइसी। तो याद कीजिए एस्कोलाइकेंस, बेसिलोलाइकेंस, है ना, एस्कोलाइकेंस मतलब एस्कोमाइसिटीज के साथ, और बेसिलोलाइकेंस तो बेसिलोमाइसिटीज की जो फंजाई होती है उनके साथ, और ज़्यादातर में क्लोरोफाइसी के मेंबर होते हैं। लगभग 80% जो लाइकेंस होते हैं उनमें जो मेंबर होते हैं अलगल मेंबर, तो वो क्लोरोफाइसी के होते हैं। रही बात मास्टर कहा जाता है फंजाई को, क्यों कहा जाता है मास्टर, क्योंकि फंजाई जो है वो फूड सिंथेसिस नहीं करती है, फंजाई के लिए फूड सिंथेसिस का काम जो है वो एल्गी करती है साहब, इसलिए मास्टर फंजाई को कहा जाता है, और स्लेव जो है वो एल्गी को कहा जाता है साहब, ठीक है। तो इसको मास्टर स्लेव रिलेशन भी कहते हैं साहब, ठीक है। फिर आता है जो है क्या नाम से, ये तो आप जानते ही हैं, और एक एग्जांपल दिया हुआ है एंडोमाइकोराइजा होती है, वो ग्लोमस है ना, ग्लोमस का एग्जांपल दिया एनसीईआरटी में बायोटेक्नोलॉजी वाले ने, और ग्लोमस जो होती है एंडोमाइकोराइजा होती है, ठीक है, ये भी ध्यान रखो। और ये वहाँ अपने इकोलॉजी में ग्लोबल वार्मिंग में भी काम आता है साहब, ये कि माइकोराइजल एसोसिएशन बढ़ेंगे ग्लोबल वार्मिंग के कारण, क्योंकि माइकोराइजल एसोसिएशन प्लांट को बेनिफिट दे जाएंगे, है ना। अपन वो माइक्रो वाला चैप्टर पढ़ते हैं तो वहाँ माइक्रोराइजर से सिर्फ यही नहीं हो रहा वाटर मिनरल, तो वो रूट बोन पैथोजेंस के अगेंस्ट भी रेसिस्टेंस जो है वो माइक्रोराइजल फंजाई प्रोवाइड करती है। कई तरह के जो पैथोजेंस होते हैं जो प्लांट को प्रोवाइड कर सकते हैं उससे भी, ड्राउट के अगेंस्ट रेसिस्टेंस जो है प्लांट को प्रोवाइड करती है माइक्रोराइजा, ठीक है ना। वाटर मिनरल यूज मिनरल एफिशिएंसी तो फिर वो बढ़ाता ही है, तो ये भी याद रखिए। तो ये बहुत ही बेनिफिशियल जो है इंटरेक्शन है साहब। चलिए फोटो मैंने दिखाई दिया आपको, ये देख सकते हैं आप, ये लाइकेन है, ये देख सकते हैं आप, ये माइक्रोराइजा है साहब विद रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स।